शारदीय नवरात्रि 17 अक्टूबर से शुरू हो रही है। ग्यारसपुर में मूर्तिकारों से चर्चा की, जिसमें इस वर्ष कोरोना काल में पिछले वर्ष की अपेक्षा कितनी लागत आई, किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, इन सब बातों को जाना। मूर्तिकारों ने बताया, इस वर्ष डेंटिंग पेंटिंग से लेकर मूर्ति बनाने में उपयोग की गई सामग्री काफ़ी महंगी मिली। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष झांकियों का निर्माण कम किया गया है। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का सभी मूर्तिकारों ने पालन किया है। 6 फीट ऊंची मूर्ति का निर्माण किया गया। मूर्तिकारों ने बताया कि इस वर्ष दाल रोटी की व्यवस्था ही हो पाएगी, ज़्यादा मुनाफा इस वर्ष नहीं मिल पाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की फसलें भी चौपट हो गई हैं। प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी उचित दाम पर ही इस वर्ष माता जी की प्रतिमा बेची जाएगी। विदिशा से आशीष सहेले की रिपोर्ट। इस बार जिस प्रकार कोरोना काल के चलते हुए और गृह मंत्रालय गाइडलाइन के तहत बड़ी बड़ी झांकियों पर रोक लगाई गई थी, पर अभी खोल दी गई 2 दिन पहले, मगर कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कोरोना काल के चलते इस बार काफी सभी का जो भी धंधा है वो मंदा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। सामान भी महंगा आया हुआ, तो आप बताएं किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ा इस बार आपको। सामान का तो ऐसा है, जब से लॉकडाउन लगा हुआ है हम पहले से ही गणेश जी बनाते चले आ रहे हैं हमारे माता पिता के टाइम से, लेकिन इस बार जो कोरोना काल का जो समय जब आया तो ऐसा लगा कि मान लो रोजी रोटी से हम बिल्कुल क्लियर उधार रहे, और कोरोना के माध्यम से जैसे फिर हमने सरकार की जो गाइडलाइंस रही है उसके माध्यम से हमने काम किया, तो बड़े गणेश जी की मूर्ति प्रतिमा सारी, एक भी मूर्ति प्रतिमा नहीं गई, जिससे हमारा सारा धंधा चौपट हो गया। लेकिन इसके बाद शासन की दोबारा से लॉकडाउन का जो नया आदेश आया उसमें फिर प्रतिमा लगने का अनुमति मिली है, हम उसके आधार पर छोटी प्रतिमा बना रहे हैं। जी जी, तो इस बार लागत कैसी क्या रही आपकी झांकी बनाने में? लागत का कोरोना के माध्यम से अगर पूछा जाए तो हर चीज में 20-25% की बढ़ोतरी हुई है, और माल मिलना भी कुछ असंभव लग रहा है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बाहर से आती है, वो मैनेजमेंट करने में बहुत दिक्कत जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।